हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं टैली की अगली वीडियो। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड को कैसे एक्टिव करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब हम टैली ओपन करते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं टैली ओपन करते हैं, तो उन्हें डेबिट क्रेडिट वाला ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो कहाँ से लेके आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए टैली मैंने ओपन कर रखा है, देखिए यहाँ से हम इसको देखिए। तो अभी क्या होगा कि टैली तो हमने ओपन कर रखी है, गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पर हम एक्टिव करेंगे सिंगल एंट्री मोड को। कैसे एक्टिव करेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से आप वाउचर्स में जाइए, ठीक है। यहाँ पेमेंट वाउचर दिख रहा है, ये देखिए अभी सिंगल एंट्री मोड एक्टिव है, तभी आपको यहाँ डेबिट क्रेडिट नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर ना आपको डेबिट दिखाई पड़ रहा है ना क्रेडिट दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री करना मुश्किल हो जाता है, हालांकि आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि एक्टिव कैसे करेंगे। यहां पर आ करके हमें टाइप करना है, हमें यहां पे प्रेस करना है कीबोर्ड से F12, जो फंक्शन की होती है F12, उसको प्रेस कीजिए। तो जैसे ही प्रेस कीजिएगा ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और इसमें आपको क्या करना है, यहां पे लिखा हुआ है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा वाउचर्स। तो यहां पर यस किया गया है, इसको आप कर दीजिए नो, ठीक है। जैसे ही आप इसको नो करेंगे नीचे आएंगे और यहाँ पर दिया हुआ है यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टीड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग एंट्री, तो यहाँ पर भी नो है, तो यहाँ पे भी इसको यस कर दीजिए और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करवा लीजिए। अब जैसे ही एंटर करते हुए एक्सेप्ट करवाएंगे आपको डेबिट क्रेडिट वाला ऑप्शन शो होने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेबिट वाला ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि इसको एक्टिवेट कैसे करना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।